कुंभला की एकादशी व्रत की कथा। वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। वहां रहने वाले सभी नगरवासी विष्णु के भक्त थे और वहां कोई भी नास्तिक नहीं था। उसके राजा का नाम था चैत्रथ। राजा चैत्रथ बहुत ही विद्वान थे और वह बहुत धार्मिक थे। सबसे खास बात यह थी कि उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर व्यक्ति हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। एक बार फाल्गुन महीने में आमला की एकादशी आई। सभी नगरवासी और राजा ने यह व्रत किया कि मंदिर जाकर आंवले की पूजा की और वहीं पर रात्रि का जागरण किया। तभी रात के समय वहां एक बहेलिया आया। बहेलिया घोर पापी था, लेकिन उसे भूख और प्यास लगी थी, इसलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और विष्णु भगवान व एकादशी महात्य की कथा सुनने लगा। पूरी रात बीत गई। इस तरह नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा और सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। बहेलिया भी घर जाकर भोजन किया। कुछ समय के बाद ही बहेलिया की मौत हो गई, लेकिन उसने आंवला की एकादशी का व्रत सुनी थी और जागरण भी किया था, इसलिए वे राजा विद्रुत के घर जन्म लिया। राजा ने उनका नाम वसुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा कि इसी राजा के कारण उन्हें देश से निकाला दिया गया था, इसलिए इसे मार देना ही चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके शस्त्र राजा पर फूल बनकर गिरने लगे। कुछ देर के बाद ही सभी मलेच्छे जमीन पर मृत पड़े थे। राजा की जब नींद खिली तो उसने देखा कि कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दी। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने इनकी जान ली है और मेरी जान बचाई है। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आंवला की एकादशी व्रत की कथा सुनी और ये उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक राज करने लगा और धर्म के कार्यों में लग गया। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, यह आंवला की एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य ऐसा का व्रत करता है, वह प्रत्येक कार्य में सफल होता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है।